तो इस तरीके से पोनी बना लेनी है, एक हाई पोनी हाफ ईयर का। ओके, लेयर्स हमने निकाल लिए, आपको जितने लेयर्स चाहिए आप निकाल लीजिएगा। आपने क्लिप्स कट कराए हैं तो और भी प्यारा लगेगा हेयर स्टाइल। आगे से थोड़ा सा पफ का लुक देने के लिए मैं बालों को इस तरीके से खींच रही हूँ। फिर जो आपने पोनी बनाई हुई है उसमें से थोड़ा सा हेयर का सेक्शन ले लेना है और इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करके सिंपली ट्विस्ट करना है। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इस तरीके से ट्विस्ट करने के बाद से इसको पोनी के चारों तरफ इस तरीके से लपेट देना है। और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आपको छोटे वाले बॉबी क्लिप की मदद से अपना हेयर का जो भी सेक्शन था लास्ट वाला उसको सेट कर देना है। और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। पार्टी वियर, रक्षाबंधन, जो भी फेस्टिवल आ रहे हैं, शादी पार्टी में भी आप कर सकते हो ये वाला हेयर स्टाइल। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। कैसा लग रहा है गाइस, जरूर बताना सारे हेयर स्टाइल देख के, और बताना कि कौन सा आपको सबसे अच्छा दिखा। तो ये गर्ल्स हैं तो काफ़ी प्यारा लगने वाला है उन लोगों पे ये हेयर स्टाइल। अगर आपको बाल खुले रखने हैं तो भी ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको ईयर टू ईयर थोड़े थोड़े पार्ट लेके, स्मॉल सेक्शन लेके हेयर का इस तरीके से पार्टिंग निकाल लेनी है बालों की। ओके, दोनों तरफ से। इसके बाद से फिर से बालों का वो हाफ पार्टिंग लेके, और जैसे हमने फर्स्ट टाइम पोनी टेल बनाई थी उसी तरीके से आपको एक पोनी बनानी है। मैंने यहाँ से हेयर इसलिए छोड़े हैं कि मेरे हेयर काफ़ी शॉर्ट है पीछे से। आपके लंबे होंगे तो आपको नहीं छोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ से भी शॉर्ट है, जबकि मैं हेयर स्टाइल बनाऊँगी तो कम पड़ सकते हैं हेयर, मैं इसलिए निकाल ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने हेयर ले लिया है और एक पोनी बना लेंगे। ओके, उसके बाद से पोनी को टाइट कर लेंगे। और जो हमारा इधर सॉरी फ्रंट से अपने हेयर को ऐसे ही छोड़ना है। ईयर के पास से ये वाले हेयर लेने हैं और इसको सिंपली ब्राइड बनानी है, चोटी, सिंपल चोटी। थ्री सेक्शन में इसको डिवाइड कर लेना है एंड सिंपल चोटी आप इसको गूंथ लीजिए। इस तरीके से मैंने गूंथ लिया है, इसको बैक साइड में लेके जाएंगे और जो आपकी पोनी है उसके ऊपर इस तरीके से रैप करते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे और इसको बॉबी क्लिप से सेट कर देंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड से भी करना है। ये वाला हेयर का सेक्शन ले लेना है और इसमें सिंपल चोटी बना लेनी है। इसको भी चोटी के ऊपर से इस तरीके से लेके जाना है और बॉबी क्लिप से सेट कर देना है बैक साइड में। ओके,
ये वाले हेयर आपको ऐसे ही छोड़ देने हैं, और हमारा हेयर स्टाइल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वाह, तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप ये वाले हेयर लेके और बैक साइड में इस तरीके से इन दोनों को क्रॉस करते हुए एक दूसरे के ऊपर अच्छे से कॉम करके और बैक साइड में ले जाके पोनी के चारों तरफ इस तरीके से पीछे की तरफ टग इन कर दोगे। बट अगर आपका फेस का लुक मेरी तरह है, चौड़ा है, राउंड फेस में है, तो आप इसको इस तरीके से ओपन ही रखिएगा अगर आप फेस्टिवल में या फिर शादी वगैरह पार्टी में जा रहे हो तो। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको बालों को अच्छे से सेंटर पार्टिंग निकाल लेनी है, उसके बाद से फ्रंट का कुछ सेक्शन छोड़ देना है, क्योंकि अगर आपको फेस पे लेयर चाहिए तो नहीं चाहिए तो आप फ्रंट से ही पकड़ लीजिएगा। उसके बाद से थोड़ा सा स्मॉल सा सेक्शन लेना है बालों का, देन इसकी एक ब्राइड बना लेनी है। ब्राइड बनाने के बाद से इसको ऐसे ही सेट कर दो, फिर सेकेंड लेयर लेना है। बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइज, और पूरा हेयर मेरा पसीने से भीगते जा रहा दिख रहा है आप लोग को। फिर दूसरा सेक्शन लिया हमने, और यहाँ पे इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और सिंपल ब्राइड बना लेनी है जैसे हमने फर्स्ट वाला बनाया था। इक्वल पार्ट में हेयर को डिवाइड करना है, देन ब्राइड बना लेनी है। अब दोनों लेयर्स को एक साथ ले लेना है। बैक साइड में लेके जाना है, हेयर को थोड़ा सा हटाना है यहाँ से, और यहाँ पे आपको लेयर्स को रखना है, और टिक-टेक क्लिप या बॉबी क्लिप जिससे भी आपको इजी हो उससे आपको इस तरीके से यहाँ पे क्लिप लगा देनी है, और इसको हेयर से क्लिप को हाइड कर देना है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बनाना है। तो इस तरीके से इस साइड भी हमने दोनों ब्राइड्स बना ली हैं, और ये लेयर्स हमारे निकाल लेने हैं बैक में ले जाके। यहाँ से हेयर को उठाना है और यहाँ पे दोनों लेयर्स को टक कर देना है। इस तरीके से क्रॉस करके आप क्लिप्स लगाते हो ना तो आपका क्लिप्स लॉन्ग लास्टिंग रहता है। आपके जो भी आपके छोटे हेयर्स हैं, पतले हैं, तो भी वो क्लिप्स से निकलेंगे नहीं और आपका हेयर स्टाइल लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। तो आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो खुले बालों पे आज ये 3 बहुत ही ब्यूटीफुल, इजी, क्विक हेयर स्टाइल है, सिंपल, ब्यूटीफुल एंड इजी हैं। और आपको कौन सा हेयर स्टाइल इजी लगा, और इजी तो सारे ही हैं, आप लोग इजीली बना लोगे। आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आऊँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।